कंगना जब यहाँ पीपल फार्म आई तो उसकी एक समस्या तो दिख रही थी, उसे किसी गाड़ी ने मारा था जिस वजह से उसका पिछला एक पैर चलना बंद हो गया था और वो उसे जमीन से घिसट के चल रही थी। जमीन से घिसटने की वजह से उसकी टांग पर घाव हो रहे थे, इसलिए हमारी टीम को सर्जरी करके उसका पैर हटाना पड़ा। ट्रीटमेंट के दौरान कंगना काफी पैनिक कर जाती थी और कार्ड भी लेती थी। खैर जैसे तैसे उसका ट्रीटमेंट पूरा हुआ, वो पूरी तरह से हील हो गई और उसने तीनों पैरों पे चलना शुरू कर दिया। अब जैसा उसका बर्ताव था उसका अडॉप्ट होना तो मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे हमने उससे दोस्ती करने की कोशिश की। वो हमारे पास नहीं आती थी इसलिए हम ट्रीट जमीन पर रख देते थे जिन्हें वो उठा के दूर भाग जाती थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब वो हमारे पास आकर हाथ से ट्रीट उठाने लगी, लेकिन ट्रीट्स लेते ही वो तुरंत भाग जाती थी। तो इस समय में समझ में आया कि कंगना के साथ जो एक और समस्या है वो ये कि अपनी और बड़े हुए हाथ में वो ये फर्क नहीं कर पाती कि उसको मारने के लिए बढ़ा है या बचाने के लिए, उसको कुछ देने के लिए आगे बढ़ा है या उससे कुछ और छीनने के लिए। और ऐसा अक्सर तब होता है कि हमारे साथ जब भी जो हादसा हुआ हो ना, उसके बाहर के घाव तो भर गए हों लेकिन अंदर के घाव अभी भी ताजा हों और हमारे लिए दूसरों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इंसानों पर चाहे उसे भरोसा नहीं था लेकिन फार्म पे आए दूसरे रेस्क्यूड डॉग से उसने दोस्ती कर ली थी। और ऐसे ही काजल और ज्वाला नाम की दो रेस्क्यूड डॉग्स थी जिनकी कंगना की तरह ही सिर्फ तीन टांगे थी। कंगना शायद उनके साथ सबसे ज्यादा रिलेट कर पाती थी इसलिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और अधिकतर समय उनके साथ ही बिताती थी। तो ये कंगना का एक कंफर्ट जोन था। ऐसा होता है ना, जिन लोगों ने वो अनुभव किया हो जो हमारे ऊपर गुजरा है तो उनसे रिलेट करना आसान होता है, उनसे दोस्ती करना आसान होता है। लेकिन एक दिन काजल और ज्वाला भी अपने अपने घर चले गए और कंगना फिर से अकेली रह गई। लेकिन एक तरह से यह अच्छा भी हुआ क्योंकि इसने मजबूर किया कि कंगना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। देखिए जीवन बिना दूसरों पे भरोसा किए चलाना बहुत मुश्किल है और यह क्षमता हमारे में दोबारा तभी वापस आती है जब एक बार फिर से हम रिस्क लेके किसी पे भरोसा करने की कोशिश करें। अब हमारी टीम के एक सदस्य मनप्रीत, जो काफी समय से कंगना से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, कंगना ने रिस्क लेके उन्हें एक चांस दिया और मनप्रीत ने भी कंगना का ये भरोसा तोड़ा नहीं। होते होते उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो कंगना जो अपनी ओर बढ़ते हुए हाथों से डर जाती थी वो अब मनप्रीत की गोद में आ गई। और अब तो हाल ये है कि मनप्रीत के दोस्त कंगना के दोस्त भी बन गए और उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी सी आ गई है। लेकिन ये स्टेबिलिटी भी परमानेंट नहीं है और कंगना को परमानेंट स्टेबिलिटी मिलेगी एक घर में, ना कि हमारे क्लिनिक में। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई हम अपने सदमे से तो उबर लें फिर किसी की मदद करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अपने सदमे से उबरने का एक बहुत अच्छा तरीका है किसी और की मदद करना।